मध्य प्रदेश का अन्नदाता इस समय परेशान है, खाद बिजली कई तरह की समस्याओं को लेकर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान संघ इकट्ठा हुआ है। हम किसानों से बात करेंगे, हमारे साथ ग्वालियर के संभागीय अध्यक्ष किसान संघ के मौजूद हैं। आपसे बात करें, आपका नाम बता दीजिए। कल्याण सिंह यादव। अच्छा, क्या समस्या है? सरकार तो दावे करती है कि सब कुछ मिल रहा है किसानों को। सरकार हमेशा जितनी योजनाएं बताती है वास्तव में क्रियान्वित नहीं हो पाती। अगर वास्तव में देखना है तो किसान के खेत में जाके देखो, कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। या तो ये सरकार की फेलियर है या फिर उन अधिकारियों की जो उनको क्रियान्वित नहीं करा पा रहे हैं। बिजली की समस्या कहा जाता है कि बिजली की समस्या नहीं है, रात में बिजली दी जाती है, किसान उसका भी विरोध करते हैं। रात में कौन जगता है, किसान कितना जगेगा? बिजली की समस्या सिर्फ रात में जगने और सोने वाली नहीं है, अपितु उसके अलावा इतनी समस्याएं हैं। बिजली की बिल ज्यादा आना, ट्रांसफार्मर एक महीने तक फूका रहता है, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है किसान को, ये वास्तविकता है। अगर ये जांच करेंगे तो निश्चित रूप से 99% समस्याएं इस तरह की हैं। और रात में पानी देने का विषय, सर्दियों में रात में पानी देने का तो विषय, ये तो बहुत गंभीर मामला है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिजली भरपूर मिल रही है? बिजली 5-6 घंटे मिलती है, इससे ज्यादा अधिक किसानों को, जैसे 5 हॉर्स पावर के पंप हैं या 7 हॉर्स पावर के हैं, जिसमें 10 और 15 का भार बढ़ाकर किसानों को 2 गुना बिल दिया कमाया जाता है। खाद की भी व्यवस्था बोल रहे हैं, खाद की पर्याप्त व्यवस्था? शिवराज सिंह चौहान ने जिन्हें बोला है मुख्यमंत्री ने, खाद की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान को 1-1 हजार लंबी लाइन में लगना पड़ता है, 3-3 दिन तक लाइन में रहना पड़ता है। अच्छा, सरकार ये भी दावा करती है कि हमने किसानों की आय को दोगुनी तिगुनी चौगुनी करी, कोई दोगुनी तिगुनी नहीं है। किसान किसानी कर रहे हैं, कर्जा की पार नहीं, बर्बादी एक साल की, एक साल जब दूसरी फसल बोवे को टाइम आता तो कर्जा लेना पड़ता है। दूसरी बात, केसीसी जो मिल रही है बापे मिल रही है परसेंटेज पे, 1,20,000 रुपये देने पड़ते हैं तब केसीसी मिलते। लाइट जैसे पावर हाउस है तो डीपी बढ़ गई है कि देख कही हो, लेकिन वो ट्रिप मार तो लोड नहीं उठा रहा पावर हाउस, तो बाबा बड़ा कचू बहुत व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, कोई भी काम करवाए किसान तहसील में थाने में पैसा लगता है, नौका मंत्री पैसा ले रहे हैं, थाने वाले नौका दें हम क्या करें, हमें तनख्वाह में से देगा लाऊ पैसा। तहसीलदार नामांतरण के 10,000 रुपये, 307 कैसी तारीखें करनी पड़ती, और रजिस्ट्री जब कराते हैं तो 6 महीना हो जाए, 1 साल हो जाए, कोई भी समस्या हो पैसा चाहिए। खाद का सही दाम मिल रहा है क्या? खाद का जो जो फसल का सही दाम मिल पा रहा है अपने को? आज की रेट में 450 रुपये का है यूरिया, वो भी कहीं कहीं से लाना पड़ता है बाहर से। जो उपज आती है किसानों की उसका सही दाम मिल जाता है? नहीं मिलता है। अभी तो बोल रहे थे कि दोगुनी तिगुनी आय कर देंगे, जो किसान जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। नहीं मिलती, नहीं मिलती। जब आज अपन जो फसल हो रही है रबी की, अब जो रबी की फसल को जब नंबर आएगा तो कच्चे ही लेना पड़ेगा। किसान की जो फसल है वो जब फसल तैयार करके जब मंडी में पहुँचता है तो वहाँ बैठ जो प्राइवेट सर्वेयर होते हैं वो सर्वेयर उसको फेल बता देते हैं, और उसी फसल को 1,000 रुपए लेने के बाद में उसी फसल को पास कर देते हैं। तो ये समस्याएं हैं। किसान जब बीज से लेके और किसान मंडी तक पहुंचने तक उसका शोषण लगातार होता है। बिजली की समस्या हो गई, खाद की समस्या हो गई, उपज का जो सही दाम है वो भी नहीं मिल पा रहा, तो किसान को मिलता क्या है? किसान को मिलता संघर्ष। किसान को के हिस्से में आता है संघर्ष, संघर्ष ही मिलता है उसे। बस वो इतना कर पाता है कि ऐसे तैसे करके अपने परिवार को चला पाता है, इतना कर पाता है किसान। सरकारें तो दावा करती है कि इस चीज में सब्सिडी दे दी, इंस्ट्रूमेंट जो जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ये जो मैं सरकार के किसी भी अधिकारी को चैलेंज कर सकता हूँ, वो आ जाएं और वास्तविकता में मैं चलता हूँ जमीन पे और उनको भी लेके चलते हैं, वो बता दें कितनी योजनाओं का लाभ किसान को मिला है। वो 8 लाख रुपए का पहले से ही जो सामान आ रहा है मार्केट के अंदर, उसे 10 लाख रुपए देके और 2 लाख की सब्सिडी दे दी जाती है।
किसान सम्मान निधि भी कुछ मिलती है, पीएम सम्मान निधि? किसान सम्मान निधि मिलती है, 6,400-10,000 रुपए कुल मिलती है। ठीक से किसान निधि सम्मान निधि का ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा, प्रत्येक किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्या है? किसान सम्मान निधि किसान के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की बराबर है। दूसरा है, आप बता रहे थे ना आय दोगुनी की, आय दोगुनी नहीं हुई, लागत चौगुनी हो गई किसान की, कृषि की लागत चौगुनी हो गई। आप धरातल पर जाके देखो, मतलब एक साइड से देते हैं तो दूसरे साइड से, हाँ, लागत छगुनी हो गई, आय दोगुनी नहीं हुई, लागत छगुनी हो गई, लागत बढ़ गई है, आय की आय और पीछे आ गई। दवाई नकली कीटनाशक दवाई इनकी दुकान की, मतलब क्यों नहीं है लाइसेंस, क्यों नहीं है इनके, मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं होती इनकी? अगर दवाई ले गए 2,000 रुपया की, नहीं काम करे दवाई ना, तो कोई मतलब नहीं है, दुकान आएगा चल जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती। खाद बीज जो इस समय महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, उसका मूल कारण है हमारे सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, वो प्राइवेट लोगों को खाद ज्यादा दे देते हैं, प्राइवेट दुकानदारों को, और वो शॉर्टेज करते हैं, उसके कारण से प्राइवेट लोगों को फायदा दिलाने के लिए सब होता है। वहाँ से ब्लैक मीलिंग चालू हो जाती है कि वो प्राइवेट दुकानों को ज्यादा, जब सरकारी गोदाम पे खाद का जैसे ही ज्यादा मांग बढ़ेगी और वो उसको जैसे ही रोकेंगे तो मार्केट के अंदर उसकी दुगनी कीमत हो जाती है। ये इस कारण से भी ये बड़ी समस्या बनी हुई है और ये पूरे प्लानिंग का हिस्सा है, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट दुकानदारों को फायदा दिलाने के लिए। किसानों के खेतों को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जो खेती होती है उसमें पर्याप्त पानी नहर के थ्रू या कहीं नहीं? उसमें महत्वपूर्ण समस्या बिजली है। होता क्या है कि इस समय पानी चल रहा है किसान का, लेकिन समस्या ये है कि बिजली वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, और वोल्टेज नहीं मिल पाएगा तो फिर समय पे पानी नहीं मिल पाएगा, ये बड़ी समस्या है इस समय। अच्छा, हम और किसान बात करेंगे। आप कहाँ से आए? जिले से। अच्छा, क्या समस्या है आपके? समस्या किसानों की सर, अब बहुत सी समस्या है मंडी में और खाद बीज मिलने में, बिजली में समस्या तो बहुत है सर। अभी सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जो किसान लोग मांग कर रहे हैं वो मांगे पूरी हों, बस किसानों की मांगे पूरा होना चाहिए, किसान परेशान नहीं होना चाहिए हमारे देश का। आप तो युवा दिख रहे हैं, युवा किसान है सब लोग, आप लोग अगर सरकारें इतनी लेट करती है, इतना कुछ नहीं देती है, तो पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी, फिर से बीजेपी की सरकार आई, बीच में किसानों का कर्जा भी माफ हुआ, कितना कर्जा माफ हुआ था सर? जितना किसान का 25% कर्जा माफ हुआ है, पूरे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि इतने से इतने तक का होगा, तो येलो कार्ड, व्हाइट कार्ड, ऐसा करके। देखिए, कर्जा माफ करना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा है जो योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर बंद हुई हैं, वो योजनाएं पुनः प्रारंभ करना, जैसे भावांतर योजना किसान के लिए उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। भावांतर योजना तो चल रही है, नहीं बंद है। अनुदान योजना वो भी बंद है, मुख्यमंत्री अनुदान योजना, जो किसान ट्रांसफार्मर 40,000-50,000 रुपए में जो सरकार की मदद से रखवा लेता था, वो आज 1.5 लाख रुपए का खर्चा उसमें आ रहा है। इस तरह की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको पुनः प्रारंभ करना चाहिए। बलराम निश्चित रेट मिलना चाहिए, जैसे प्रत्येक व्यापारी की माचिस की रेट है, साबुन की रेट है, कपड़े की रेट है निश्चित, ऐसे ही कोई फसल की क्रॉप की रेट है, कोई निश्चित रेट नहीं है। हम चाहते हैं हमारी फसल की निश्चित रेट होना चाहिए, 7,000 सोयाबीन बेचना है तो 7,000 बेचे। अब व्यापारी वर्ग क्या करता है, अपने निजी फायदा के लिए 4,000 में भी ले रहा है, 3,000 में भी ले रहा है, सिस्टम है ये? क्या है सरकार का सिस्टम, क्रियान्वित ठीक से हो नहीं पा रहा, सरकार क्रियान्वित कर नहीं पा रही, लचीला बन रहा पूरा। क्या अब यहाँ आप आए, क्या डिमांड है आपकी, तो क्या मांग है? हमारी महत्वपूर्ण मांगे बिजली की समस्या को लेके है, बिजली की समस्या में सुधार होना चाहिए। जो फसल बीमा के नाम पे किसान के साथ धोखा हो रहा है, जितनी फसल बीमा के आधार पर उन पे का पैसा काट लिया जाता है, लेकिन उनकी फसल नष्ट होने पे उनको वो मुआवजा नहीं दिया जाता। अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई, परंतु उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, अभी कोई सर्वे नहीं हुआ। इस तरह की बहुत सारी मांगे हमारी हैं,
इन खाद की जो समस्या है, लगातार लाइन में लगे हुए हैं किसान, आज भी लाइन में लगा हुआ है। 270 रुपए का खाद वो 350 रुपए में खरीद रहा है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निवारण होना चाहिए। 1355 में खाद दे रही है, आज किसान 1600 में खाद खरीद रहा है, क्या सिस्टम है बताओ? 1355 की गवर्नमेंट रेट है, प्राइवेट लोगों को दे देती है, एक 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 डॉक्यूमेंट्स में तीन तीन बार दे देते हैं, और किसान बेचारे चार चार दिन से लाइन में लगे रहते, उनको खाद ही नहीं मिल पाता। सिस्टम वालों को खाद मिल रहा है, सिस्टम हाई रेट है। ये किसानों का गुस्सा आपने देखा, किसान नाराज हैं क्योंकि किसानों को खाद का सही दाम पे खाद नहीं मिल रही, समय पे खाद नहीं मिल रही, उनकी सिंचाई की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही, क्योंकि बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली समय पे नहीं मिलती, बताया जाता है कि रात में बिजली मिलती, इससे किसान परेशान। किसान यहाँ इकट्ठे हुए कि अगर उनकी समस्याओं का निराकरण समय रहते नहीं किया गया तो 2023 में चुनाव है और 2023 में सरकार को सोचना पड़ेगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इन किसानों की समस्याओं को सरकार अब किस स्तर तक सोचती है और देखती है। कैमरामैन के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।